पहले कॉलर हैं रतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर। जय भारत अकिन सर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जी सर, मैंने 2-3 दिन पहले आपसे प्रश्न पूछा था। एक महिला लड़की जिसका मेंस बंद हो गया था, है ना, तो आपने कहा था उसे कलौंजी का सिरका पीने के लिए और हल्दी 2 चुटकी कर। तो सर वो कलौंजी का सिरका तो नहीं मेरे पास अवेलेबल है, जैतून का सिरका। क्या कलौंजी के सिरके की जगह जैतून का सिरका काम कर सकता है जी? और ये 2 चुटकी आपने कई एक महीने के लिए हल्दी बोला था, उसके पानी में पीना है। और सर मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्रोस्टेट मेरा बड़ा हुआ, ठीक है सर, 23.8 है ये क्या, ठीक है। तो आपने एक बार कहा था कि आप लाजवंती, लेकिन सर मेरा पेशाब का प्रॉब्लम नहीं है सर, पेशाब ना मैं रात में उठता हूँ ना दिन में 10 बार जाता हूँ, कुछ नहीं सर, लेकिन लास्ट में कई एक कतरा बच जाता है, पेशाब करते वक्त लास्ट में कतरा बचता है, वो मेरे साथ समस्या कर रहा है, लगता मेरा वो समस्या वही है सर। ठीक है ठीक है, आप अपना फोन मत काटिएगा और हमारे मीडिया कर्मी को नंबर दे दीजिए अपना। आजकल एक मुहिम चल रही है, जो लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं और अपना खुद भी फ़ायदा जिन लोगों ने उठाया है उससे हमारे मीडिया कर्मी संपर्क करते हैं, तो अपना नंबर नोट करा दीजिए। आपने बहुत सेवा की है लोगों की, वो कर रहे हैं। और सवाल बताइए जी, कलौंजी की जगह जैतून के सिरके का इस्तेमाल हो सकता है? अगर असली है तो आप कलौंजी की जगह जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है? अच्छा देखिए, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की कैफियत होती है और जिस तरह से आप कैफियत बताते हैं उसकी तरह से इलाज बताते हैं। तो देखिए, एक अच्छा नुस्खा है जो मैं बार बार बताता हूँ और वो तरह तरह से बताता हूँ। एक तो वो कि अलसी आधा चम्मच, हल्का सा भुनी हुई अलसी आधा चम्मच, और ये लाजवंती आधा चम्मच, और एक चुटकी ये गौंद चिलगोजा, ये एक खुराक रोज़ ले लिया करें। ये नुस्खा आप जैसे रोगियों के लिए है, बस एक खुराक पूरे दिन में, ठीक है। अगर किसी को पेशाब अवरुद्ध होता है, तकलीफ से आता है, मुश्किल से आता है, तो इसमें एक चुटकी नमक जैतून के पानी के साथ लें और इसमें एक चुटकी कत्था, खाने का कत्था होता है ना जो पनवाड़ी पान पे लगाता है, एक चुटकी वो भी डाल लें। तो वो तकलीफ जो बहुत मुश्किल से पेशाब आता है और जलन होती है, काफ़ी परेशानियां होती हैं, तो ये उसके लिए, और पेशाब में कोई ज़ख़म हो उसके लिए, पेशाब की नाली में ज़ख़म हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो उसके लिए, और वो हो जाता है जलन, यानी सुजाक, एक मर्ज है सुजाक, तो पेशाब के नाली के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, तो ये उसके लिए भी है। देखिए एक नुस्खा बहुत बहुत यानी बीमारियों में काम करता है, यही नुस्खा अगर खूनी बवासीर में ले लिया जाए तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन इस नुस्खे को बवासीर की सूरत में दूध से लेना ज़रूरी है जी। अगले कॉलर हैं, दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका मैम। नमस्कार मैम जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ सैलजा बेटी, आप कैसी हैं? जी हम भी अच्छे हैं। नमस्कार भाई साहब।
स्वागत आपका, जय हिंद दयावती बहन का। देखिए ये शैलजा तो आपसे मुलाकात भी कर आई। हाँ भाई साहब, मेरी इच्छा थी आप भी आ जाते, पर एकदम प्रोग्राम हो गया, दो घंटे पहले फोन आया तो मैंने इजाजत दे दी, मैं चलो आ जाओ। पर मतलब मेरी अंदर की इच्छा ना भरी नहीं, मुझे खाना भी बनाना था इनके लिए, खिलाना था, वो खाई पूरी हो ही नहीं सारी अच्छे से। अच्छा और सवाल हाँ, बताइए। और सवाल तो भाई साहब आजकल तो सवाल मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना, सवाल सब मैं बता देती हूँ। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ बस, 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले, कुछ नहीं साथ जाना, एक नेकी की सिवा, कर भला होगा भला, गांठ ये बांध ले। बस भाई साहब मेरी एक इच्छा रह गई आपसे मिलने की, और मैं एक दिन अच्छा सा खाना बनाऊंगी, आपसे पहले इजाजत मांगूंगी, और जब मैं पूरी टीम को बुलाऊंगी अपने घर एक बार, और मेरी ये इच्छा है। ठीक है ठीक, इतना चाहती हूँ बस। और आपको खूब खूब बधाई भाई साहब, खूब दुआएं है, खूब खुश रहो अच्छे से, और साहबजा बेटी भी अच्छी रहे, पूरे ये भैया सब के लिए दुआ मांग रही हूँ, सब खुश रहे अच्छे से, पूरी टीम। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू भाई साहब। शैलजा तो आपकी बड़ी तारीफ कर रही है, तो इसने बताया कि आपने कुछ पैसे भी दिए हैं इसको। अब मैं इससे कह रहा हूँ आधे मुझे दे दे, मैं तबर्रुक की तरह रखूँगा, उसे खर्च नहीं करूँगा कभी, ये तो खर्च कर देगी लेकिन मैं वो पैसे कभी भी ज़िंदगी में खर्च नहीं करता। मुझे तो कोई पैसे नहीं देता था, और एक बार मेरी एक बहन ने पैसे दिए, तो मैंने कई साल 10 साल 15 साल वो खर्च ही नहीं किए। फिर एक बार ऐसा हो गया कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, बच्चा बीमार पड़ गया, तो उस वक्त वो पैसे बहुत काम आए, और बहुत याद आ गई वो बात। और देखिए आपसे मुलाकात ज़रूर होगी कभी ना कभी, और ये इतनी तारीफ़ कर रही है आपसे ज़्यादा आपके खाविंद की, आपके पति की, और उससे भी ज़्यादा वो जो छोटा बच्चा है उसकी तारीफ़ कर रही है, और बहुत इत्मीनान इन लोगों को हुआ आपसे मिलकर। और मुझे तो इत्मीनान था कि आप के जो बिहेवियर से ये लोग बहुत इम्प्रेस होंगे। मैंने इनको कहा था कि वो बहुत अच्छी लेडी हैं, शायद उस इलाके में एक से ज़्यादा इतने अच्छे लोग ना हों। जी हकीम साहब, हमने तो वो डायरी भी दयावती जी से मांगी थी, जो उन्होंने आपके एक एक नुस्खे उन्होंने लिखे हुए हैं, यकीनन हकीम साहब एक नहीं हज़ारों नुस्खे उन्होंने लिखे हुए हैं, और एक प्रॉपर डायरी उन्होंने बना रखी है। हाँ देखिए यही तो निशानी है जी, ये सबूत है इस बात का कि हमारी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है, तो वो जो कहती हैं वो करती हैं। संसार में वही लोग सच्चे हैं जिनके अंदर और बाहर से एक से हैं। हम अहले दिल का जाहिर व बातिन जुदा नहीं, दिल भी झुका दिया है जहाँ सर को खम किया। तो जो लोग अंदर बाहर से एक से हैं वो बहुत प्यारे लोग हैं, भगवान को पसंद हैं, और जो भगवान को पसंद है उनको इंसान पसंद करे या ना करे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, अगले कॉलर है हमारे साथ फतेहपुर से, अशोक जी स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। हाँ नमस्ते। नमस्कार सर। हमारे गाल ब्लेडर में पथरी है। कितनी बड़ी है सर? नमस्ते। हाँ सर कितनी बड़ी पथरी है? नमस्ते सर, बोलिए बात करिए, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। कितनी बड़ी पथरी है? 11.4। ठीक है जी। नमस्ते। ठीक है जी जी। अच्छा देखिए, बड़ी पथरी का निकलना मुमकिन नहीं होता, 3-4 mm की अगर पथरी हो तो वो निकल सकती है, लेकिन आप कोशिश कर लें, बाधा नहीं करता मैं बिल्कुल भी,
तीन चार एमएम की हो तो उसका आसानी से निकलना मुमकिन है, हालांकि किडनी में कितनी भी बड़ी पथरी हो तो वो निकलना आसान होता है। तो एक नुस्खा है, आप लिख लें, जैतून का तेल और जैतून का सिरका, खाने वाला तेल, एक मालिश वाला होता है वो नहीं, तीन चम्मच जैतून का तेल और तीन चम्मच जैतून का सिरका असली एक गिलास पानी में मिलाएं और ये सुबह खाली पेट पी लें और उसके बाद एक गिलास पानी और पी लें। बस एक खुराक रोज़ लें और चार दिन तक लें, अगर उसको निकलना होगा तो निकल जाएगी, नहीं तो आप बस चार दिन लेकर इसे छोड़ सकते हैं। और जिनको तीन चार एमएम की पथरी है वो ज़रूर कोशिश करें, और वरना फिर अगर ना निकले इससे तो फिर ऑपरेट भी करा सकते हैं। जी, यमुना नगर से हैं अनीता जी, स्वागत है आपका। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको। नमस्ते जी। नमस्कार मैम। वो मैम, मेरे को ना बुखार रहता है 5-6 महीने से। उम्र कितनी है आपकी? 40 साल। और मेरी गुड़िया को ना कच्चा मन रहता है, 18 साल की है, और खाना नहीं पचता उसको। ठीक, खाना नहीं पचता मतलब बताइए इसका। हाँ जी, जैसे खा लेती है ना तो वो कच्चा मन सा रहता है, तो पचता ही नहीं है शरीर में, पेट में ऊपर आता रहता है। ठीक है, ठीक है जी। आप दोनों के लिए एक ही नुस्खा वो इस्तेमाल करें, दोनों को फायदा मुमकिन है। नुस्खा भी बड़ा सा मामूली सा है, आपके किचन में खाने का सोडा जिसे मीठा सोडा कहते हैं, एक चुटकी लें और एक चुटकी नमक जैतून असली नमक जैतून, ये दो गिलास पानी मिलाकर आप लोग एक बार पिया करें दिन में, किसी भी वक्त, खाने से पहले खाने के बाद। आप भी लें एक खुराक और बच्ची को भी दें, दोनों के लिए बेहतर है, आप इसे लेना शुरू कर सकते हैं। जी, चलिए अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ मेरे 3 सवाल है मैडम जी, पूछिए। हाँ, मैं विदर्भ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। विदर्भ है, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। हाँ, तो प्रकाश राठौर बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 65 साल है मैडम जी। सर, मेरा बचपन से हार्ट कमजोर है और मेरे पल्स रेट 55 है, इसलिए मैंने आपके डॉक्टर लोगों से फोन लगा के बताया और उन्होंने मुझे नुस्खा बताया, 1 लीटर लहसुन का रस, 1 लीटर नींबू का रस, 1 लीटर अदरक का रस और 1 लीटर जैतून का सिरका मैंने बुलाया, वो मिला के 3-3 चम्मच सुबह रे शाम ले रहा हूँ। मेरे को 50% ज्यादा आराम मिला है। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। हाँ, और मेरी बात सुन लो। आगे सवाल ये है कि सवाल एक, मेरी लड़की 42 साल की है, उसको माइग्रेन है बहुत दिन से, बहुत जगह बताया, ये अपने एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, इसलिए उसको कुछ आराम पड़ा नहीं, उसके लिए बताना। और दूसरी बनती है, वो 45 साल की है, उसे 2 महीने से शुगर बढ़ी है, उसके लिए नुस्खा बताना। ठीक है। और मेरी उम्र 65 साल है, मुझे मौसम बदलते एलर्जी होती है मैडम। कैसी एलर्जी तो सर? उसके लिए मैंने माजुम के आर बुलाया 15 दिन पहले। ठीक है। हाँ, तो वो माजुम केयर अभी चालू है मेरा, और कल मैंने वो जैतून का सिरका भी बुलाया डबल से, तो वो सिरका और ये साथ में लिया तो चलता क्या, ये पूछने था मेरे को। ठीक। हाँ, बहुत सज्जन इंसान है, बिल्कुल, बहुत संभल के, बहुत समझा के बात किया, और भगवान भी आपको बहुत पसंद करता है,
आपकी जो बचपन से तकलीफ थी दिल की कमजोरी की और पल्स की, उसमें 50% फ़ायदा दे दिया इतनी जल्दी। जब तक पूरी तकलीफ ना जाए आप ये नुस्खा लेते रहें। और माजून आर केयर आप ले सकते हैं, और माजून आर केयर आप सुबह निहार मुँह लें जो आपके पास है, और गर्म पानी से लें दिन में एक बार। ये बहुत ज़रूरत हो तो रात को सोते समय भी ले सकते हैं, लेकिन ये जब भी लें गर्म पानी से लें और दूध ना पिए, पानी से लें, गर्म पानी हो, या इसको खाने के बाद चाय पी सकते हैं गर्म गर्म। महाराष्ट्र में चाय बहुत अच्छी मिलती है मुझे मालूम है, मैं रहा हूँ 20-25 साल वहाँ। और एक पेशेंट को माइग्रेन है, एक को शुगर है। अच्छा, देखिए जिनको शुगर है उनको ये जो आप नुस्खा लेते हैं ये दे सकते हैं, 3-3 चम्मच। ये जो आप जैतून के सिरके वाला नुस्खा लेते हैं ये 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम उनको दे सकते हैं उनकी दवाओं के साथ, तो बहुत कंट्रोल करता है ये शुगर को भी। और जिनको माइग्रेन है उनके लिए देखिए एक ऐसा करें, एक तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, ये एक्सरसाइज, और ऐसे देख लीजिए आप, ये एक्सरसाइज 3-3 मिनट करनी है, एक साथ नहीं कर पाएगी बच्ची, तो कहें कि पूरे दिन में 3-3 मिनट ये कर लें इंसाफ से, ईमानदारी से, घड़ी देखकर। अक्सर हम 2-4 बार करते हैं सोचते हैं 3 मिनट हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। और एक आता है याद रखें, ये बहुत कम लोग जानते हैं, नकली ना दे दें, और चिलगोजे का गोंद आता है, एक गोंद यानी गम, गोंद चिलगोजा, ये मटियाले कलर का होता है, जैसे मिट्टी होती है ना ऐसे कलर का होता है। एक चुटकी गोंद चिलगोजा और लें और वो खा लें, बस एक चुटकी, पूरे 24 घंटे में एक चुटकी खाना है। और एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाकर, इस 2 गिलास पानी से रात को सोते वक्त ये गौन चिलगोजा 24 घंटे में बस एक खुराक दिया करें। डॉक्टरों की दवाएं भी दे सकते हैं साथ में, लेकिन ये बस एक ही खुराक दे, बहुत तेज़ नुस्खा है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी।